हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के मैं आपके समक्ष आ गई हूँ। आप सभी अपने अपने एग्जाम का प्रिपरेशन, एमपी सुपर टेट वर्क टू एंड वर्क थ्री एंड आपका एकलव्य मॉडल स्कूल का भी वैकेंसी आ गया है, जो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। एंड यूपी टीजीटी का भी एग्जाम जल्द ही होने वाला है। ये सभी एग्जाम होने वाले हैं, जिसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे और स्टार्ट कर दीजिए अभी नहीं शुरू किए होंगे तो। और मैं आपके लिए डेली बेसिस फिजिकल एजुकेशन के बेस्ट क्वेश्चनों को रोज प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने सभी डाउट को डेली बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, किस टॉपिक में आप कमजोर हैं ये भी अपने को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वल्ली काम की बातें होती है, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं होती हैं, वही चीज़ें पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो। फालतू का कांटेक्ट भी यहाँ पे नहीं दिया जाता। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका में बोला जाता है राइबोसोम को, जैसा कि आप सबको पता है। एंड कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को। एंड सोसाइटल बैग या डाइजेस्टिव बैग, एटम बम, इन नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है लाइसोसोम को। एंड ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का यातायात प्रबंधक केंद्र किसे कहा जाता है? तो गॉल्जी इकाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसे एयर सैक यानी वायु कोश कहा जाता है? तो एल्वेलाई को एयर सैक यानी वायु कोश कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ट्रैकिया यानी श्वास नली से होता हुआ फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाकर के एल्वेलाई में जाता है। एल्वेलाई जो होता है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसे पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों, एसए नोड को पेसमेकर कहा जाता है। पिछले वाली वीडियो में एसए नोड क्या है मैंने डिटेल में बताया हुआ था। जैसे कि जो भी एसए नोड यानी पेसमेकर, वो होता है जो हमारे हृदय के गति को निर्धारित करता है, नियंत्रण करता है, उसे पेसमेकर कहते हैं। जो एसए नोड को कहा जाता है, जो हमारे दाएं अलिंद में स्थित होता है, सुपीरियर वेना कावा जहाँ पे मिलता है वहां पे, यहाँ से वेगस तंत्रिका से आवेग यानी इम्पोल्स जो आता है, सबसे पहले एसए नोड पे आता है, साइनो एट्रियल नोड पे, और जहाँ से दाएं अलिंद और दाएं बाएं अलिंद दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों अलिंद जो है संकुचन होता है, उसके बाद आवेग जाता है एबी नोड पे यानी कि एट्रियोवेंट्रियल नोड पे, जहाँ पे दाएं निलय और बाएं निलय में आवेग जाता है, जिसे दोनों निलय संकुचित होते हैं। इस प्रकार हृदय की जो गति होती है उसको नियंत्रित करता है पेसमेकर यानी कि एसए नोड। अब पेसमेकर एसए नोड जो है कृत्रिम रूप से भी आजकल बनाया जाता है, जिससे कुछ समय के लिए मरीज को जिंदा रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसे रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में यकृत यानी लीवर को रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। ये सभी मुख्य मुख्य काम करता है, जैसे कि प्रथम बीन फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है, जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, एंड हिपेरिन का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखता है, शरीर में रक्त को जमने नहीं देता, एंड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है अपने पास। जब शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है तो पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके देता है ऊर्जा के रूप में। और बिलिरुबिन का निर्माण करता है मरे हुए आरबीसी से, पितरस का निर्माण करता है, जितने भी इम्पोर्टेंट काम है बॉडी के लिए सभी काम करता है, इसलिए इसको रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हार्मोन पर नियंत्रित करता है, एंड जल संतुलन के नियंत्रण का केंद्र है, एंड भूख प्यास लगने का केंद्र है, यहाँ से ही भूख प्यास लगने का हमको आभास होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपापचय जैसे कार्य भी करता है, और यह सभी भावनाओं का भी केंद्र है, जैसे प्रेम, घृणा, हर्ष, विषाद, क्रोध, सभी प्रकार की भावनाओं का केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। एंड थैलेमस क्या करता है? ठंडा, गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को
में ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, हिंड ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फ्रंट ब्रेन में आपका आता है सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाडी जेमिना एंड पोस्ट ब्रेन यानी हिंड ब्रेन में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिफिसिस किसे कहा जाता है, तो एपिफिसिस जो है वो कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि या प्रमुख ग्रंथि बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटे समय किसका सूत्र है, तो यह वेलोसिटी यानी कि वेग का सूत्र है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का क्यू किसका सूत्र है, तो यह सूत्र है पोंड्रल इंडेक्स का। एंड बीएमआई का सूत्र क्या होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। बीएमआई जो है शरीर में वसा का माप करता है, जैसा कि आप बीएमआई से ज्ञात कर सकते हैं कि आप अंडर वेट है कि ऑल गुड है कि ओवर वेट है कि ओबेसिटी में है। अगर आपका बीएमआई जो है 16 से 18 के बीच में है तो आप अंडर वेट यानी कि वीकनेस प्रॉब्लम है आपको, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, मसल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड जब आपका 19 से 22 के बीच में है तो आप नॉर्मल है, ऑल गुड है, परफेक्ट है सभी चीजें। अगर आप 22 से ज्यादा हो गए, 23 के ओवर हो गए तो आप ओवर वेट में आ जाएंगे, आपको थकान, पाचन, सर्कुलेशन प्रॉब्लम आदि चीजें हो जाएंगी। एंड जब 24 से भी ज्यादा हो जाएंगे तो आपका, जब 30 से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ओबेसिटी का चरम सीमा पहुंच जाएगा यानी कि ओबेसिटी में, मोटापे में आप आ जाएंगे, जिसमें आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, फैटी लीवर आदि के शिकार हो जाएंगे। इस पे कंट्रोल करना आपको बहुत जरूरी हो जाएगा। 22 जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बीएमआई अर्थात 22.1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसको रोजाना एक्सरसाइज से सभी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि ल्यूसीन ब्रोहा का संबंध किससे है, तो दोस्तों ल्यूसीन ब्रोहा का संबंध हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से है। इन्होंने 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों पर टेस्ट किया और इन्होंने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को डेवलप मापने के लिए किया। इसमें एक टेबल होता है जो पुरुषों के लिए 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 17 इंच यानी कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, जिसमें अप अप डाउन डाउन किया जाता है 1 मिनट तक, उसके बाद पल्स काउंट किया जाता है, उसके बाद उसको निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा रसायन होता है, तो दोस्तों एल्कोहल में इथेनॉल नामक रसायन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बालों के लिए कौन सा विटामिन सबसे अधिक लाभदायक होता है, तो विटामिन ई जो है सबसे लाभदायक होता है। विटामिन ई को बीटी विटामिन एंड एंटी स्टेरिलिटी यानी कि बाझपन रोधी भी बोला जाता है, क्योंकि प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट है डोजो किससे कहा जाता है, तो दोस्तों जूडो के मैदान को डोजो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैराथन तैराकी कितने किलोमीटर की होती है, तो जो मैराथन तैराकी होती है वो 10 किलोमीटर की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड जो मैराथन दौड़ होता है वो 42.195 किलोमीटर यानी कि 26 मील 385 गज की होती है, जो जिसकी मैराथन की शुरुआत ट्रैक का एक चक्कर लगा करके और समाप्ति भी ट्रैक का एक चक्कर लगा करके होता है, और जो बाकी का दौड़ होता है पक्की सड़क पर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट क्रोप की स्थापना कब हुई, तो 1948 में हुआ एनसीसी की स्थापना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज प्रथम का नाम खेलों में क्यों चर्चित है, तो ये ग्रीस का राष्ट्राध्यक्ष थे, इन्हीं के देखरेख में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था, इसीलिए किंग जॉर्ज प्रथम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किसने पैनाथोनिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, तो दोस्तों किसने दिया था, थियोडोसियस सेकेंड ने
पेनाथोनिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। जैसे कि प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में शुरुआत हुआ था और 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुआ था, जिसमें 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस द्वितीय ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखिएगा, प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था थियोडोसियस प्रथम ने, और उस स्टेडियम को ही ध्वस्त करा दिया था थियोडोसियस सेकेंड ने, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे थियोडोसियस सेकेंड यानी क ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? क ऑप्शन यहाँ पे आप राइट हो जाएगा। थियोडोसियस सेकेंड ने स्टेडियम को ध्वस्त कराने का आदेश दिया था, जबकि प्राचीन ओलंपिक खेल को रोकने का आदेश दिया था थियोडोसियस प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक के छल्ले में नीचे कौन से रंगों के छल्ले होते हैं? तो नीचे दोस्तों, जैसे कि ओलंपिक का छल्ला आपका बना होता है, पांच छल्ले होते हैं, तो इस प्रकार का ओलंपिक का छल्ला होता है जिसमें से होता है नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ठीक है, तो यहाँ पे नीला, पीला, काला, तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? हरा एंड लाल। तो नीचे जो दो आपके रिंग है वो नील, कौन से कलर के होते हैं? पीला और हरा। कौन से कलर के होते हैं? पीला और हरा। ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस बाय करेंगे तो नीला, पीला, काला, हरा एंड लाल। तो ये पांच छल्ले पांच रंग के होते हैं और पांचों रंग पांच महाद्वीप के प्रतीक हैं। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये पांचों छल्ले पांचों रंग के पांच महाद्वीप के प्रतीक हैं और यह दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम एशियाई खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके उद्घाटन की घोषणा की थी। लेकिन प्रथम एशियाई खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है डॉक्टर जीडी सोंधी को, प्रोफेसर जीडी सोंधी को। एशियन खेल का पितामह कहा जाता है, जिस प्रकार ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक का पितामह बैरन पीरेडी कुबर्टिन को कहा जाता है, उसी तरह एशियन का पितामह, एशियन गेम का पितामह डॉक्टर जीडी सोंधी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में प्राचीन काल ओलंपिक की शुरुआत होने का श्रेय किसको जाता है? तो बैरन पीरेडी कुबर्टिन को जाता है, जो प्राचीन ओलंपिक के पतन हो जाने के बाद पुनः इन्होंने ओलंपिक की शुरुआत किया और 23 जून 1894 को IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की, और उसके बाद 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की इन्होंने शुरुआत किया एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में। एंड नेक्स्ट है, शरीर का एकमात्र जोड़ जो अचल होने के बावजूद चल संधि के पास स्थित होता है, तो दोस्तों वो होता है इंटीरियर टिबिया फिबुलर ज्वाइंट। एंटीरियर टिबिया फिबुलर ज्वाइंट जो होता है वो चल संधि के पास होते हुए भी अचल है, यानी कोई उसमें मूवमेंट नहीं होता है, गति नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में तीन प्रकार की संधि पाई जाती है, चल, अचल और अर्धचल। अचल संधि हमारे खोपड़ी में पाई जाती है ज्यादातर, जैसे अचल संधि को हम फाइबर्स ज्वाइंट या साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट भी बोलते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप ज्वाइंट्स वाले वीडियो को देखिए, और ज्वाइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर याद कर ले लीजिएगा। फाइबर्स ज्वाइंट से क्वेश्चन आपके एमपी टेट में आया हुआ था। नेक्स्ट है, अनस्ट्रिपेड मसल्स किसे कहते हैं? तो अनस्ट्रिपेड मसल्स जो है वह इनवॉलेंट्री मसल्स को कहते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि हमारे शरीर में तीन प्रकार की मसल्स होती हैं, ऐच्छिक यानी जिसे रेखित पेशी भी कहते हैं, जिसके स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, जिसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अनैच्छिक, जिसे इनवॉलेंट्री या अनस्ट्रिप्टाइड
मसल्स बोलते हैं। एंड तीसरा होता है कार्डियक मसल्स या फिर हृदय मसल्स। नेक्स्ट, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 29 टीमें हो तो पहले क्वार्टर में कितने टीम्स आएंगी? तो दोस्तों यहाँ पे जब आपका नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या अधिक हो, लगभग 16 या 16 से अधिक हो, तो टीमों को दो हाफ की तुलना में चार क्वार्टर्स में बांटना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम टीमों को संख्या को चार से भाग देते हैं, यानी चार बराबर भागों में बांट देते हैं। तो 29 को अगर चार से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो 4×7=28, यानी कि एक एक क्वार्टर में चार चार टीमें आएंगी, सात सात टीमें आएंगी। लेकिन जो एक शेष बचा है उसको कहाँ पे रखेंगे? जो शेष बचा रहता है उसको रखने का फार्मूला होता है कि प्रथम टीम को पहले क्वार्टर में रखा जाता है, और द्वितीय टीम को तीसरे क्वार्टर में, और तीसरे टीम को दूसरे क्वार्टर में, और चौथे टीम को चौथे क्वार्टर में। तो जो एक शेष बचा है वो प्रथम टीम में आ जाएगा। इसका मतलब कि सात तो पहले थे था, और जो शेष बचा है वो एक आठ, यानी कि पहले क्वार्टर्स में कितने टीम आएंगी? आठ टीमें, और सभी क्वार्टर्स में सात सात टीमें आएंगी। तो टूर्नामेंट से रिलेटेड, चाहे नॉकआउट टूर्नामेंट हो, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो, चैलेंज टूर्नामेंट हो, लीग टूर्नामेंट हो, सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए टूर्नामेंट वाले वीडियो को देखिए, और इससे बेहतर आपको कोई नहीं बताया होगा। एकदम शॉर्ट में मैंने कम समय में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेल बोन किसे कहते हैं? तो टेल यानी कि पूंछ जैसी जो अंत में हो जाता है, हमारा रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग कौन होता है? कॉक्सिजियल, जिसमें चार हड्डियां मिलकर के एक हो जाती हैं। तो कॉक्सियल हड्डी को हम टेल बोन कहते हैं। ये हमारे रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर होता है। जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं, वयस्क होने पर 26 बच जाती हैं, सर्वाइकल बोन 7 होती हैं, और वक्ष थोरोसिक बोन 12 होती हैं, एंड लंबर यानी कमर की बोन 5 होती हैं, एंड कॉक्स सेक्रल जो होती हैं वो 5 मिलकर एक हो जाती हैं, यानी 5 होती हैं, और कॉक्सिजियल 4 मिलकर एक हो जाती हैं। इस प्रकार 33 से वयस्क होने पर ओनली 26 बचता है। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग रीफ्स की संख्या कितनी होती है? दोस्तों तो दो होती है। तो फ्लोटिंग 11वीं और 12वीं जो रीफ्स होती है वो फ्लोटिंग रीफ्स कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्लोटिंग रीफ्स कहलाती है 11वीं और 12वीं। जैसे कि जो हमारी पसलियां होती हैं दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती है, यानी कि 12 जोड़ी, तो इसमें 7 जोड़ी ध्रुव रिप्स होती हैं, जो प्रत्येक अलग अलग उरोस्थी यानी कि स्टर्नम के साथ बीच में एक मोटी हड्डी होती है जो स्टर्नम होती है, जिससे सभी पसलियां जुड़ती हैं। तो 7 अलग अलग जुड़ती हैं जिसे ध्रुव रिप्स बोलते हैं। और फॉल्स रिप्स 5 होते हैं, जिसमें से 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियां जो होती है उरोस्थी यानी कि स्टर्नम से जुड़ने से पहले ही पूर्व में आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं और स्टर्नम पर एक स्थान पर ही जुड़ती हैं। और 11वीं और 12वीं जो है, 11वीं 12वीं जो होती हैं वह स्टर्नम से बिल्कुल न जुड़कर स्वतंत्र रूप से रहती है, जिसे तैरने वाली कहते हैं, यानी फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो इस प्रकार फ्लोटिंग रिप्स की संख्या कितनी हुई, कितने पेयर में, जोड़ों में? तो 2 पेयर, क्योंकि दोनों तरफ होती हैं तो 2 पेयर, 11वीं 12वीं पसलियां होती हैं, तो पेयर में पूछेगा 2, और संख्या में तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हिपैटिक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिपैटिक जो है वह बोला जाता है लीवर को। हिपैटिक किसे कहा जाता है? लीवर को। ऑप्शन नंबर घ यहां पे राइट होगा। तो हिपैटिक लीवर को बोला जाता है। जैसे कि जब छोटी आंत में जो इलियम होती है वहां पे सभी पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, वहां पे बहुत सारे
जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो इलियम जो है अवशोषण करके रक्त कोशिकाओं को दे देता है, और वहां पे जो यकृत होता लीवर होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है हिपेटिक पोर्टल वेन जो जिसके माध्यम से छोटी आंत और लीवर जुड़ा रहता है, जो भी पोषक तत्व अवजर्व होता है वो हिपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में चला जाता है। वहां पे अमोनिया जो है जो एनएसथी जहर के समान होता है उसको जो यकृत होता है लीवर होता है वो यूरिया में बदल देता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वह वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। नेक्स्ट है, हशीश को भारत में क्या कहा जाता है? तो हशीश को भारत में भांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भांग, जिसको एक साइको मोटर यानी कि एक अवसाद है, एक प्रकार का मन को सक्रिय करने वाला, मनोसक्रिय बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल में लेन को बांटने वाले रस्सों के रंग कौन से होते हैं? तो स्विमिंग पूल में रस्सों को लेन को बांटने वाले रस्सों का जो रंग होता है वह पीला, नीला एंड हरा होता है। नेक्स्ट है, किस महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग हाउस वाइफ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पैनल ब्लैंकर्स को बोला जाता है फ्लाइंग हाउस वाइफ, फ्लाइंग सिख बोला जाता है मिल्खा सिंह को। नेक्स्ट है, मैरी काम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको बोला जाता है किस उपनाम से? तो मैग्निफिसेंट मैरी उपनाम से इनको जाना जाता है। ये महान बॉक्सर खिलाड़ी हैं। हिमा दास का संबंध एथलीट के से किस दौर से है? तो हिमा दास का संबंध एथलीट के 100-200 मीटर दौर से है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार टेनिस में विंबलडन है उसी प्रकार बैडमिंटन में क्या है? तो जिस प्रकार टेनिस में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता विंबलडन होता है उसी प्रकार बैडमिंटन में कौन सा होता है? तो ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंडियन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पहला भारतीय महिला असिस्टेंट रेफरी का नाम बताइए। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पहली भारतीय असिस्टेंट रेफरी कौन बनी? तो उवेना, कौन? उवेना फर्नांडीज। नेक्स्ट है, फासबरी फ्लॉप नामक तकनीक किस ओलंपिक में आई? तो दोस्तों फासबरी डिक फासबरी ने फासबरी फ्लॉप नामक तकनीकी की खोज की और 1968 ओलंपिक में इन्होंने इसमें इसकी खोज की और इसका प्रयोग किया 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में। नेक्स्ट है, इंसुलिन ब्लड से शुगर की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, ठीक है, और वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है? तो दोस्तों ग्लूकागॉन हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है रक्त में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। जैसे कि दोस्तों हमारे आग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज की लैंगेज दीपिकाओं से चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा यक कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन उत्पन्न होता है जो यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो जल में घुलनशील होता है और रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। और इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है जिससे मधुमेह होता है यानी डायबिटीज होता है। एंड वाई डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों पर नियंत्रण रखता है, अत्यधिक स्त्राव से रुकता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत ने
एशियाई खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक किसने नहीं जीता? तो दोस्तों 1951 नई दिल्ली में भारत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हॉकी में नहीं जीता और इन्होंने भारत ने 3 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, 1998 बैंकॉक में, 1966 बैंकॉक में और 1914 इंचियोन। यहाँ पे आपका 1914 है, ठीक है, 1914 इंचियोन में, ठीक है, 1914 इंचियोन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप याद रखिएगा भारत ने एशियाई खेलों में हॉकी में 3 बार स्वर्ण पदक जीता है, 1998 बैंकॉक में, 1966 बैंकॉक में, 2014 इंचियोन में। नेक्स्ट, वह कौन सा भारतीय है जिसने 2 खेलों में ओलंपिक में भाग लिया? तो वो है आपके नवाब पटौदी। कौन है? नवाब पटौदी। नेक्स्ट, अगर 18 टीम हो तो नॉकआउट में कितने राउंड होंगे? तो दोस्तों जितना 2 के पावर में होता है वही आपका राउंड होता है। तो मान लीजिए आपका सबसे पहले बाई ज्ञात करेंगे तो बाई ज्ञात करने का सूत्र होता है नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन, ठीक है। तो बाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? नेक्स्ट पावर ऑफ टू माइनस एन। तो यहां पे हो जाएगा 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 की पावर 5 आया है, बराबर कितना आया? 32, ठीक। तो 18 में से अब हम 32 घटा देंगे, जितना आएगा उतना बाई होगा, लेकिन कितना 2 की पावर में आया? 5, यानी कि राउंड की संख्या कितनी होगी? तो राउंड की संख्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा? 5, राउंड की संख्या कितना होगा? 5। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में योग पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो दोस्तों योग पर प्रतिबंध लगाया गया था मुगल काल यानी कि मुस्लिम काल में, और योग की शुरुआत कब हुआ था? वैदिक काल में, वेद काल में। दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्विमर मसल्स यानी कि रोइंग मसल्स और स्विमर मसल्स बोला जाता है लैटिमस डोर्सी को, याद रखिएगा। एंड थ्रोइंग मसल्स बोला जाता है पेक्टोरलिस मेजर को। एंड लिफ्टर मसल्स बोला जाता है डेल्टायर मसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस कैवस किसे कहते हैं? तो पेस कैवस बोला जाता है दोस्तों क्ले फूट को, ये फ्लैट फूट का जस्ट उल्टा होता है। फ्लैट फूट में क्या होता है, जो हमारा तलवा होता है वो सपाट यानी कि एकदम समतल होता है, कोई कर्व नहीं बनता, जिसे फ्लैट फूट या पेस पैनस बोलते हैं। और जब तलवा जो है एकदम गहरा यानी कि कर्व बनता है और दोनों में बहुत सारा गैप एकदम दिखाई देता है, जब आप खड़े होते हैं तो बहुत सारा गैप दिखाई देता है बीच में, एकदम गाय के खुर जैसे हो जाता है, इसीलिए इसको क्ले फूट या पेस कैवस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक मनुष्य में मोरल की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमारे शरीर में मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। इसका ऊपरी भाग में 16, निचली भाग में 16, 32 दांत होते हैं। तो ऊपरी भाग में 4, 2, 4, 6 ऐसे याद कर लीजिए, ऊपरी भाग में 4 आपके इंसीजर होते हैं यानी कि दोनों ऊपर नीचे मिला करके 8 हो गए, 2 आपके केनाइन होते हैं ऊपर और 2 नीचे यानी कि 4 हो गए पूरा, और इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, प्रीमोरल भी ऊपर 4 नीचे 4 यानी 8 होते हैं, और मोरल जो है ऊपर 6 नीचे 6 यानी कुल 12 होते हैं। तो मोरल कितने होते हैं, मोरल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है फुटबॉल। कौन है? फुटबॉल। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि मोटापा को कम करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है जिसके सेवन से व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होता? तो वह होता है एम्फेटामाइन, यानी एक प्रकार का स्टिमुलस यानी कि उत्तेजक होता है जो मोटापा को कम करता है, एंड्योरेंस को बढ़ाता है
एंड दोस्तों भार को कम करने में ड्यूरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिपल जंप यानी कि त्रिकूद को दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं हाफ स्टेप जंप भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई आधुनिक काल में इसके शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो आप सबको पता है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो यह है बैरन पियर डी कुबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय इनको जाता है, आधुनिक ओलंपिक के पितामह कहे जाते हैं बैरन पियर डी कुबर्टिन। नेक्स्ट है ओसीए का अध्यक्ष कौन है, दोस्तों ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम का संचालन करती है एंड दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 में हुआ और इसके अध्यक्ष हैं शेख अहमद अल फहद अल सबा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि दूसरा का संबंध किस खेल से है, तो दूसरा शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में, किसमें, क्रिकेट में होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है एशिया गेम यानी कि साउथ एशियन गेम का मुख्यालय अस्थायी रूप से कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। तो दोस्तों आज के सेशन में ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चंस में डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइए, डाउट क्लियर किया जाएगा। दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे एंड और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए कि और लोगों तक वीडियो पहुँच सके, जिससे मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप लोगों के लिए और कॉन्टेंट प्रोवाइड करूँ। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।